हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है एक और नया वीडियो क्यू एन ए का। और जो क्वेश्चंस था वो उसका आंसर देने वाली हूँ मैं। और जैसे आप लोग ने बोला था कि मतलब फेस कैम बोल के एक्चुअली 30K में प्रॉमिस हुआ था, पर 30K में हो नहीं पाया। जैसे ऑलरेडी हुआ था तो मेरा फोटो ऑलरेडी रिवील कर दिया था राहुल का स्ट्रीम पे, सो इसलिए मैंने 30K पे नहीं किया। और मेरे पास कैम नहीं है, सो इसलिए मोबाइल से रिकॉर्ड करके वीडियो बना रही हूँ। अगर क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर देना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जो जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को स्किप करती हूँ, और जो भी क्वेश्चन मतलब मुझे लगे कि वो अप्रोप्रिएट है सिर्फ उसका आंसर देने वाली हूँ। रेस्ट देख लेते क्या होता है। एंड एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, व्हाट्स योर रियल नेम, जो मैंने एनी दिया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि अपना रियल नेम बताओ, फिर भी मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आया कि योर रियल नेम, योर नेम स्ट्रीमिंग में भी सब जन वही पूछते हैं। तो माई रियल नेम इज़ एन सॉरी नॉट एनी अनिता थापा। और जो एज है मैंने ऑलरेडी बोला था कि आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, एंड फिर भी मतलब वो क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी, व्हाट इफ़ योर मदर गॉट टू नो अबाउट राहुल भाई, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? और ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट राहुल के बारे में मेरे पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो वो मैं ही रहूँगा ना पर्सन जो मैं बताऊँगी, सो मेरा कुछ रिएक्शन होगा वो आई डोंट थिंक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यू डू लाइव स्ट्रीम विथ फेस कैम? मतलब लाइव स्ट्रीम से तो कभी होने नहीं वाला है, और जो ये वीडियो इसलिए मैं लाइव मतलब फेस कैम करके अपना ये वीडियो बना रही हूँ। रिलेशन बिटवीन मी एंड राहुल, ये क्वेश्चन भी बहुत आया है। किसी ने बोला है राहुल भाई प्रपोज करे तो क्या करोगे आप? तो जो प्रपोज करना है ना, पहले क्वेश्चन आना चाहिए, उसके बाद ही आंसर दे सकते हैं। तो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं तो आंसर मैं बता नहीं सकती, वो तो टाइम पे पता चलेगा। और जो रिलेशन है हम लोग के बीच में फिलहाल, तो वी आर गुड फ्रेंड्स और मे बी मोर देन अ गुड फ्रेंड्स। हाउ डिड यू गेट मोटिवेट टू स्टार्ट यूट्यूब? इट्स अ लेंथी स्टोरी, बट अगर शॉर्ट में बताऊँ तो सोशल इश्यूज़ जो होता है, जो सोसाइटी में होता है, उसके रीज़न से खोला था। मेरा एक्चुअली प्लान नहीं था कि मैं गेमिंग कम्युनिटी में आऊँ, पर ड्यू टू सम रीज़न मैं गेमिंग कम्युनिटी में आई हूँ। और जो मेरा दूसरा फर्स्ट चैनल जो मैंने खोला था सोशल इशू का रिलेटेड, वो जब मेरा जो मैंने वो 50K जब हो जाएगा मेरा गेमिंग चैनल पे, तभी मैं वो दूसरा भी स्टार्ट करूँगा। और जो फेस कैम है वहाँ पे फेस कैम के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे गेमिंग चैनल पे फेस कैम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यस, फेस रिवील हो गया वो। आपका मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था जब आपने यूट्यूब बनाने का सोचा? जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला था कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ, देन दे वर लाइक ठीक है, मतलब जो भी मुझे पसंद है मैं वही करती हूँ। तो वो लोग ने मुझे कुछ नहीं बोला, दे वर ओके विथ जो भी मैं करूँ। राहुल शोट या फोटो बट नो फेस के मिले, थैंक यू सो मच विश करने के लिए 30K। ये सब आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट है। हाउ डिड यू मीट राहुल एंड विच इज़ योर फर्स्ट वीडियो मेट टुगेदर? राहुल को डिस्कॉर्ड में मिली थी फर्स्ट यूट्यूब में, उसके बाद डिस्कॉर्ड में बात हुआ था फर्स्ट टाइम हम लोग का। और जो वीडियो हम लोग का फर्स्ट है वो है आर्क मोबाइल का, अगर आपको चेक करना है तो आपको वो वीडियो अभी भी मेरा चैनल में मिल जाएगा, वो अभी भी है। क्या आपके साथ राहुल की रिलेशन है? आप दोनों कैसे मिले एक दूसरे से? मैंने जैसे बताया हम लोग डिस्कॉर्ड में मिले, और रिलेशन यस ऑफकोर्स। राहुल भाई प्रपोज करो भाई, ये क्या था? बीच में इतना दिन कहाँ खो गई थी आप? बीच में जो जाना था तो कुछ इश्यूज था, हेल्थ इश्यूज बोल सकते हैं, फिजिकली भी फिट नहीं थी और मेंटली भी नहीं थी। अभी थोड़ा स्टेबल हो रही हूँ तो इसलिए आई एम बैक, पर फिर भी मतलब इतना वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ जितना पहले बनाती थी, क्योंकि होता है ना जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो मेंटल प्रॉब्लम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इफेक्ट होता है काम पे एंड पर्सनल लाइफ में इसलिए। और इसका लेंथी स्टोरी कभी अगर आप लोग को जानना हो या कभी मुझे गट्स आया तो मैं बता दूंगी वो चीज़। वाई डिड यू वॉन्ट टू ज्वाइन यूट्यूब प्लीज टेल? जैसे मैंने पहले बताया था सोशल इश्यूज़ हम लोग का सोसाइटी थोड़ा सा चेंज लाना था, शायद मे भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, पर आई ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट मैं 0.0001% होने से भी चेंज लाऊँ हम लोग का सोसाइटी में। डज योर फैमिली नोज योर यूट्यूब चैनल एंड अबाउट राहुल? यस, यूट्यूब चैनल के बारे में पता है पर राहुल के बारे में पता नहीं है। मेरा पेरेंट्स को पता नहीं, पर मेरा दो दो एल्डर सिस्टर्स है, उन लोग को ऑलरेडी पता है राहुल के बारे में, एंड इसमें कोई शॉकिंग वाला बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस रिबिल प्लीज ऐड नहीं दिए? फेस तो ऑलरेडी रिबिल हो चुका है, और एज जो है मैंने बोला 24 ईयर्स। अगर बर्थडे जानना है तो 17 अप्रैल 1996, अगर किसी को गिफ्ट भेजना है तो एड्रेस भेज देता हूँ मैं। हाय निधि, कॉन्ग्रेट्स फॉर 100K सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। 100K सब्सक्राइबर, आई विश अगर आप लोग ने ऐसे प्यार दिखाया तो मे बी दिस ईयर का एंड तक हो जाए। आई एम बी
व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ यू एंड राहुल? अभी तो फिलहाल तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है, पता नहीं देखते कहाँ तक जाते हो और कहाँ तक पहुँचते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। व्हेन यू मीट राहुल ब्रदर प्लीज टेल। राहुल ब्रदर मैंने कब मिला, मतलब मे बी अगस्त का लास्ट में आई गेस। उसके बाद ये दिस क्यू एंड ए इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दिस क्वेश्चन। विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज़? फिल्मोरा यूज़ करती हूँ मैं। आपका टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, मेरा टूथपेस्ट में नमक नहीं, मैं यूज़ नहीं करती सॉल्ट वाला चीज़। भाई जो राहुल को शादी करना और जो राहुल को मतलब लव करना है ना, ऑफकोर्स आई डू लव हिम। और जो शादी का बात हो रहा है ना, जब क्वेश्चंस नहीं आता है लड़की का मतलब टूअर्स, तो आंसर तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो कभी क्वेश्चन आएंगे तो सोच के बता देंगे, अगर किसी कभी ऐसे कुछ हुआ तो फर्स्ट तो आप लोग को ही पता चलेगा, वो तो पता ही है सबको। आपने क्यू एन ए वेबकैम के साथ शूट कर देना। सॉरी, वेबकैम के साथ तो नहीं पर मोबाइल के साथ ज़रूर शूट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो रियल नेम ऑलरेडी बता व्हेन यू मीट। फुल स्टोरी कभी अगर मतलब लव स्टोरी जानना ही है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना जिस जिसको सुनना है। किसी दिन फुर्सत में बैठ के लंबा सा आपको एक सिर्फ लव स्टोरी सुनाएंगे मेरा और राहुल का। हाँ, हैव यू सैड थैंक यू टू राहुल एस ही अपलोडेड वीडियो ने चैनल व्हेन यू आर सिक? हाँ ऑफकोर्स, उसको मैंने थैंक यू बोला है सिर्फ बीमार से नहीं, स्टार्टिंग से लेके लाइक ही वॉज लाइक अ मेंटर टू मी। बहुत हेल्प किया मुझे यूट्यूब में, मतलब मेरे ये जर्नी में। और बीच में जब गैप पड़ा था, स्टिल अभी भी वो वीडियो अपलोड कर देते हैं मेरा चैनल पे, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। और मैं थैंक यू बोलता हूँ पर उसका रिएक्शन सिंपल होता है थैंक यू नहीं बोलने का, पर पता नहीं क्यों, पर मैं थैंक यू बोलती हूँ। सो इसमें कोई बड़ा इशूज़ नहीं है, मैं बोल देता हूँ। एंड यदि आप बियर के गेमिंग हैरी डर्टी डॉग्स गेमिंग और राहुल के साथ मुलाकात कैसे हुई? सबको मैसेज बताऊँ तो मैं तो सबको डिस्कॉर्ड में मिली। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी राहुल को, राहुल से बात करना, तभी सबसे मिली और सबसे बात की, तभी से हम लोग का फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ। हाउ यू बिकेम अ यूट्यूबर? सिंपल, यूट्यूब में अकाउंट खोला, वीडियोस डाला एंड यूट्यूबर बन गया। आप कितने साल की हो? राहुल से प्यार करती हो? हाँ प्यार करती हूँ, और मैं 24 ईयर्स की हूँ। फेवरेट कलर येलो। एनी प्लान्स फॉर कॉलेज विद बिग यूट्यूबर्स? अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी मिला तो ऑफकोर्स वो अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली ग्रैब करेंगे, वो तो कोई भी मिस करना नहीं चाहेगा। आप राहुल भाई का प्रपोज एक्सेप्ट करोगे? भाई पहले बोला अपना राहुल भाई को प्रपोज करने के लिए, उसके बाद आंसर एक्सपेक्ट करना, नहीं तो मैं कैसे बताऊंगी आप लोग को, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको यूट्यूबर बनने का मोटिवेशन कहाँ से आया? मुझे यूट्यूबर बनने का मोटिवेशन वहीं से आया। यूट्यूबर एक्चुअली मैं मतलब फुल टाइम करियर जैसा लेने नहीं वाली थी, जस्ट कुछ इश्यूज़ था जो मेरी से टॉलरेट नहीं हो रहा था। तो मुझे, मैं चाहती थी कि जितना जन है वो लोग सुने और मे बी कुछ इम्प्रूवमेंट हो अपना सोसाइटी में, इसलिए प्लान किया था। सेटअप टूर कब करवाओगे? अभी फ़िलहाल तो एक छोटा सा रूम पे मेरा पीसी रखा हुआ है, एक टेबल पे, खाली रूम पे। तो जिस दिन अच्छा हो जाएगा तभी करवा देंगे, नहीं तो उससे पहले तो अभी तो देखने लायक कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक खाली रूम पे सिर्फ एक पीसी पड़ा हुआ है। विच एनीमे यू लाइक? नारुतो, वो तो मैंने बहुत बार बताया था अपना फिर। ओके थैंक यू सो मच। बस ईच, ओके फेस रिवील, आप राहुल से कैसे मिले ये सब बता दिया है मैंने। एनी दी राहुल भाई को आई लव यू बोल दो। आई लव यू राहुल। मीम्स रिव्यू का वीडियो कब आएगी? नहीं, मीम्स रिव्यू का वीडियोस अभी तक प्लान नहीं किया है उसको रिव्यू वगैरह देने के लिए। सो आई डोंट नो, मे बी कभी होगा। योर बेस्ट मोमेंट ऑफ यूट्यूब? सच बताओ तो एवरी मोमेंट इज स्पेशल, सो बता नहीं सकते। अच्छा लगता है सब कुछ मतलब यूट्यूब में अभी आके तो। व्हाट स्टफ डू यू यूज फॉर मेकअप? मेकअप के लिए? ओ माय गॉड भाई, ये तो सवाल मैं आंसर नहीं दे सकती। और सच बताओ तो मामाअर्थ का उपटन का फेस वॉश, बायोटिक का बेबी क्रीम एंड VLCC का सनस्क्रीन, उसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करती। और सच बताओ तो मुझे मेकअप करना नहीं आता है, पर किसी को बताना मत वो चीज़। माई क्वेश्चन इज एज, ओके आप स्टडी करते हो फिर जॉब करते हो? मैं दोनों करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं स्टडी भी करती हूँ। फिलहाल तो कुछ नहीं करे, फिलहाल तो ऐसे घर पे बैठी हुई हूँ वीडियोस बना के। व्हेन यू मैरी राहुल? बहुत जल्दी आ जाना। हाँ शादी में सबसे पहले तो इन्विटेशन कार्ड आपको ही भेजेंगे हम, आपका एड्रेस भेज देना मुझे। अगर मैंने आपको प्रपोज किया तो आप क्या बोलोगी, येस या नो? अरे भाई पहले अपना एज बताओ, उसके बाद अगर आपको मुझे प्रपोज करना है तो एड्रेस भेज दूँ क्या? वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैं रेडी हूँ। पहला एज मेरे से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा होने से काम नहीं चलेगा। आप दोनों का इनकम कितना है एंड आप दोनों क्या रिलेशन पे? इनकम फिलहाल, इनकम के बारे में डिस्कस नहीं कर सकती मैं। और आप दोनों का रिलेशन क्या है? मैंने बोला फ्रेंड्स या मे बी मोर देन अ फ्रेंड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड, सो देखते। व्हाट्स योर मंथली इनकम? मैंने बोला मंथली इनकम अभी कुछ फोकस नहीं कर रहे तो बता नहीं सकते, देखते बाद में क्या होता है।
हु इज़ अ फेवरेट यूट्यूबर अमंग ट्रिगर्ड इंसान वंडर सुपर देन विच इज़ अ फेवरेट यूट्यूबर. इन सब में सच बताऊँ तो ट्रिगर्ड इंसान और इन सब को छोड़ के अगर बोलूँ तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है कैरी मिनाटी. मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है. फिर आसाम में कहाँ रहते हो? गुवाहाटी में. एड्रेस भी दूँ क्या? क्या आपकी मम्मी पापा को पसंद है कि आप YouTube वीडियो बनाते हैं और क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ ऑफकोर्स, मेरा मम्मी पापा को पता है कि मैं YouTube में वीडियो बनाते हैं. मैं कुछ भी करूँ, YouTube में करूँ या दूसरा जॉब करूँ, वो लोग सब जगह सपोर्ट ही करते हैं. आफ्टरऑल मेरा लाइफ एंड मेरा चॉइस होता है ना, तो ऐसे ही कुछ. योर डिग्री क्या होता है? ज़्यादा सर ग्रेजुएशन, उसके आगे मैंने स्टडी नहीं किया है. मैं जस्ट ग्रेजुएट हूँ और अभी साइकोलॉजी कर रहा हूँ. मैम दिस इज टॉक्स यू दैट वट पी सी यू आर यूजिंग एंड वट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन. मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, और जो पी सी है उसका जो मतलब डिटेल ये है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आपको वीडियो का, जाके चेकआउट कर लेना, आपको पता चलेगा कि आपको आर्क ज़्यादा पसंद है कि कोई और गेम. सच बताऊँ तो डेट बाई डे लाइट आर्क ज़्यादा पसंद है. आर्क ठीक है, फर्स्ट में इंटरेस्टिंग लगता था पर अभी थोड़ा बोर होने लगा है. आप यूट्यूब चालू करने का रीज़न मैंने पहले ही बताया था, उसका रीज़न वही है रीज़न. एनी अब ओके बी आर केट का फेस रिवील भाई मैं नहीं कर सकता. बी आर केट का फेस रिवील हो तो आपको बी आर केट को ही पूछना पड़ेगा, कहीं वो मेरा मर्डर ना कर दे. आपकी फर्स्ट वीडियो कौन सा कब निकली थी? मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखोगे ना आप हंस के मरोगे, मेरा हिंदी इतना हॉरिबल था. और फर्स्ट वीडियो मैंने किया था September 3rd को लास्ट ईयर 20 को, तो आप जाके चेक कर सकते हो, अभी भी मेरा इस चैनल पे है अभी भी. फेवरेट गेम ओके व्हाट्स फेस रिवील बी एफ कौन है? एक बात बोलता हूँ, बी एफ के बारे में मत पूछना, इट्स अ सीक्रेट और बताना भी नहीं चाहती. सिस्टर आप इतना सुंदर कैसी हो? प्लीज़ रिप्लाई. नहीं हो भाई ऐसा कुछ ही नहीं है, आप कुछ भी मतलब आप कितना ये ओके ये सब हो गया. फेवरेट गेम मोबाइल लीजेंड. नया माउस कब ले रही हो? बहुत जल्दी, इतना प्यारा रहा है तो एक गिफ्ट कर दीजिए ना, मैं एड्रेस भेज देता हूँ. एनी दी आपका तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक हूँ. फेस रिवील ऑलरेडी कर दिया है, यही है फेस रिवील का वीडियो देख लेना, जिसको ये था आपका विश मैं फुलफिल कर रहा हूँ. आई हैव अ क्वेश्चन टू वेयर यू लिव एंड राहुल लिव. मैं रहती हूँ आसाम गुवाहाटी में और राहुल रहते हैं नवी मुंबई पे. मुझे डिटेल्ड एड्रेस पता नहीं है और पता होने से भी मैं नहीं बताने वाली आपको, पर वो नवी मुंबई में रहते हैं. व्हेन डू फेस स्किन क्वेश्चन क्या भाई? टूथपेस्ट में नमक क्यों चाहिए भाई? नहीं यूज़ करती मेरा टूथपेस्ट में नमक नहीं है, मैं नॉर्मल सा यूज़ करती हूँ कोलगेट. ओके व्हेन यू फेस रिवील में फेस रिवील ऑलरेडी कर चुका हूँ. और प्लीज़ टेल हाउ टू ऐड थंबनेल इन वीडियो. टेक्निकल गेमर्स टेक्निकल ना टेक्निकल भाई क्या नाम है सॉरी. तो अगर आपको थंबनेल के बारे में जानना है तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि थंबनेल कैसे ऐड किया जाता है वीडियोस में. हु इज़ योर मोटिवेशन टू स्टार्ट यूट्यूब? सोसाइटी, सब जन, सब लोग, सिर्फ एक ही नहीं, सब जन था मोटिवेशन. तो इसलिए आपका एक काइंड ऑफ गेमर ग्रुप है तो ये ग्रुप कैसे बना? ऑल थैंक्स टू राहुल, राहुल का डिस्कॉर्ड में, दूसरा का पता नहीं, पर हम लोग का जो भी मतलब अभी जितना कोई यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ सब राहुल का सर्वर का थ्रू मिले हुए हैं. एंड अभी मतलब इस लाइक एक्वा फैमिली बोलते हैं ना, तो फैमिली जैसा बन गया है. वहाँ पे भाई भी मिला, फ्रेंड्स मिला और कुछ मिला वो बता नहीं सकते, बाद में बता देंगे कभी. फेस रिवील राहुल भाई आपका कौन है? अरे मैरिड. हाँ शादी किया है ना मैंने, मेरा तीन तीन बच्चा है, देखना है क्या फ़ोटो भेज दूँ. एनी मैम आप दोनों का बच्चा कैसा होगा? नेपाली इंडियन टेल. मेरा बच्चा, अगर मेरा बच्चा हुआ तो पता नहीं लुक्स कैसा रहेगा, वो तो पति जो होगा वही बनेगा ना, तो देखते. क्या एनी दी हमेशा इंडिया में रहती हूँ? हाँ मैं इंडिया में रहती हूँ. जस्ट मेरा एजुकेशन जो था 10th तक मैंने भूटान पे ली थी, आफ्टर दैट 11th से लेकर अभी तक इंडिया पे हूँ. और मैं प्योरली इंडियन ही हूँ. मेरा वोटर आई डी और आधार कार्ड देखना है. फर्स्ट क्वेश्चन भाई सब एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ओके स्किप करते हैं. लाखों में हज़ारों का क्वेश्चन, क्या आप राहुल भाई से शादी करोगे? बस करो अब मुझे भी हंसी आ रही है. बोला था ना राहुल भाई के साथ इतना गेम मत खेलो. लो ओके राहुल भाई साथ में गेम खेल रहा हूँ. एक बात बताओ, जब आपका राहुल भाई मुझे कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं उनको बोलूँगा क्या? मैं आपको आंसर दूंगा क्या?
वो तो पता चल ही जाएगा ना, और स्ट्रीम जिसने भी राहुल का देखा है आप लोग को पता ही होगा, सो आई डोंट थिंक आई हैव टू आंसर सबका, सच में लाखों में नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना सब ये होता है, राहुल ने प्रपोज किया, राहुल से शादी किया, आपका शादी हो गया, ये वो वगैरह वगैरह सब क्वेश्चन से ही है, तो ये क्वेश्चन तो हमेशा आंसर देते हैं, मैं देती हूँ स्ट्रीम पे भी, अभी भी दे रही हूँ, योर फेवरेट फूड लास्ट BF है, फेवरेट फूड कुछ भी दे दो मुझे सब पसंद है, और BF का नाम नहीं है भाई, मर रही हूँ सिंगल ही मरने वाली हूँ मैं, हम लोगों जैसे लड़की को कौन देखेगा भाई, क्रश ने शाहिद कपूर देगा क्या मुझे, दोगे क्या आप, सॉरी थोड़ा ये निकल गया, दोगे क्या आप मुझे, पर वो मैरिड है ना क्या करूँ, हाउ डू यू प्लीज़ फेस हो गया, राहुल आपका कौन है, राहुल सब कुछ मेरा सब कुछ है, सब कुछ तुम और राहुल कैसे मेरे डिस्कॉर्ड पे, ओके हु इज़ योर इंस्पिरेशन, सच बताओ मेरा इंस्पिरेशन मेरा दी है, क्योंकि जितना हार्डवर्किंग उसको मैंने देखा है ना, बोलते हैं हाँ मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, पर अभी जो जनरेशन गैप होता है ना, तो पहले मम्मी लोग का जनरेशन पे दे वर डिफरेंट, एंड जो अभी हम लोग का जनरेशन पे है ना, तो जितना मैंने अपने छोटी दी को काम करते हुए देखा है, हार्डवर्क करते हुए देखा है, खुद को मतलब संभालते हुए देखा है, स्टैंड करते हुए देखा, शी इज़ रियल माई इंस्पिरेशन, उसके अलावा कोई है नहीं, मैं बता नहीं सकती वो चीज़, नमक आप सच में राहुल भाई से प्यार करती है, नहीं भाई मैं तो मजाक कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, मैं मजाक हो रहा है, वेयर डू यू आर्क मोबाइल, हाँ वेयर डू यू आर्क मोबाइल अगर बात करो तो मेरा फ़ोन अभी फिलहाल तो बहुत टट्टी है, तो मैं आर्क मोबाइल खेल नहीं सकती, कभी अच्छा फ़ोन लिया तो मैं भी खेलूँगी फिर से वापस, व्हाट्स योर हॉबी एंड डू यू हेट राहुल भैया, हेट करने का तो सवाल ही नहीं था, राहुल भैया तो क्या मैं लाइफ में किसी को भी हेट नहीं करती, एंड हॉबी बोलूँ तो आई लव रीडिंग बट अभी वो हैबिट भी चला गया है, व्हाट्स इनकम सॉरी, तो गाइस आज बस इतना ही रख देते हैं, मतलब वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, अगर आपको Part 2 चाहिए Q&A का तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, और ये भी बताना कि आपको आज का वीडियो कैसे लगे, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जितना भी आंसर मैंने दिया है जितना मैं दे सकता हूँ, और जिसका मैंने मिस किया है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई होप जो आंसर मैंने दिया है आपको उससे मतलब बोलते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन मिला हो, और कैसे लगा मतलब बता देना, और जिस जिसका मिस किया मैंने आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैक्सिमम राहुल के और मेरी रिलेशन के बारे में पूछ रहे थे, अगर आपको जेनुअनली जानना है राहुल और मेरा रिलेशन तो कमेंट करके बता देना, और Q&A का अगर आपको Part 2 चाहिए तो वो भी कमेंट में प्लीज़ बता देना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में विदाउट फेस कैम, मैं स्ट्रीमिंग में फेस कैम नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास कैम नहीं है, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कोई फेस कैम गिफ्ट कर देना, हाँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय टेक केयर।